वेलकम टू हमारी रसोई। आज हम बना रहे हैं शेजन एग फ्राइड राइस विद ग्रिल्ड चिकन। सो यहाँ पर शेजन एग फ्राइड राइस विद ग्रिल्ड चिकन के लिए यहाँ पे मैंने 2 ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं, जिसे हम कट लगाएंगे और इसे मैरिनेट करेंगे चाइनीज सॉसेस के साथ। 2 अंडे लिए हैं जिसे हम बीट करेंगे, और कुछ वेजिटेबल्स हैं हमारे पास। कैबेज है फाइनली चॉप, गाजर है फाइनली चॉप, कैप्सिकम है फाइनली चॉप एंड स्प्रिंग अनियन। सो ग्रिल चिकन के लिए यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून वॉर्सटरशायर सॉस लेंगे। वन टीस्पून डार्क सोया सॉस, क्योंकि सोया सॉस डार्क है, डार्क सोया सॉस है इसलिए 1 टीस्पून लिए। अगर आपके पास लाइट सोया सॉस है तो आप 1 टेबलस्पून कर सकते हैं। एंड 1 टीस्पून वेनेगर, वन फोर टीस्पून क्रश रेड चिली, ब्लैक पेपर पाउडर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। एंड 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हम ऐड करेंगे इसमें। यहाँ पर हमारी चिकन को हमने कट्स लगा दिए हैं, अब हम ये सॉस इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसे ग्रिल पैन में ग्रिल करेंगे, उसके बाद हम अपनी फ्राइड राइस को रेडी करते हैं। यहाँ पर हमारी चिकन बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे फ्राइड राइस के साथ सर्व करके आपको दिखाते हैं। एग फ्राइड राइस के यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, और इसमें सबसे पहले बीटन एग ऐड करेंगे। हम निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में फिर से 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। वन टेबलस्पून फाइनली चॉप गार्लिक सॉटे करेंगे। फ्लेम हमारी फास्ट है, कढ़ाई हमारी एकदम गर्म होनी चाहिए। गार्लिक ऐड करने के बाद स्प्रिंग अनियन व्हाइट, ऑल द वेजिटेबल्स, कैप्सिकम, गाजर, कैबेज, स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। कुक्ड एग, अब हम इसमें बॉइल्ड राइस ऐड करेंगे। यहाँ पे बॉइल्ड राइस ऐड कर दी हमने। सॉल्ट टू टेस्ट, नमक का आपका बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें और भी सॉसेस जाएंगी, इसलिए नमक आप प्लीज़ थोड़ा कम ही डालें इसमें। 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून केचप एंड 3 टेबलस्पून शेजन सॉस। अच्छे से मिक्स करेंगे हम।
हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारी एग फ्राइड राइस बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। जैसे कि हमारी कढ़ाई छोटी है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए हम इसे दम पे रख देंगे ढककर, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए, हम इसे ग्रिल चिकन के साथ सर्व कर सकते हैं फिर। सो यहाँ पर हमारी शेजवान एग फ्राइड राइस विद ग्रिल चिकन बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे सर्विंग बाउल में सर्व किया चिकन के साथ। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Allah Hafiz.